हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रिद्धिमा। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप रोटी और पराठा खाना भूल जाएंगे। उसके लिए हमें कुछ सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेते हैं, उसे गर्म कर लेंगे। उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। उसके बाद मैंने 1 छोटा चम्मच मूँगफली ली थी, उनको मैं हल्के से फ्राई कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जलानी नहीं है, ये हल्की फ्राई करनी है और निकाल लेनी है। 2-3 मिनट में ही ये हो जाती हैं। उसके बाद अब हम इसी तेल में 1 छोटी चम्मच सरसों ऐड करेंगे, हल्का सा भुनेंगे। उसके तुरंत बाद ही हम करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता मैंने चॉप कर लिया है और मैं 1 बड़ी प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप करी थी, उसको भी मैंने इसी में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जब तक हमारी ये फ्राई मतलब जो प्याज है वो अच्छे से भुन नहीं जाती है, उसके बाद ही हम इसमें टमाटर मैंने चॉप किया था उसको ऐड किया है, और 1 चकुंदर का टुकड़ा लिया था जिसे बीटरूट भी बोलते हैं, उसको कद्दूकस किया था उसको भी इसमें डाल दिया है, और 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक अपने अनुसार डालें। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच धनिया डाला है, 1/2 चम्मच ली थी उसके लिए मैंने। और इसके बाद जब तक ये हमारा अच्छे से भुन नहीं जाता है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। उसके बाद मैं इसमें 2 बड़े गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, 2 बड़े गिलास पानी ऐड करने के बाद इसी बीच मैं इसमें 1 छोटा चम्मच मटर ऐड करी है, मटर जिससे वो अच्छे से बॉईल हो जाए, इसलिए मैं इस टाइम पे कर रही हूँ। हल्का सा 1 चुटकी हींग डालेंगे और उसमें 1 नींबू ऐड कर देंगे। काट कर नींबू का रस इसमें निचोड़ देना है हमें, और उसके बाद जब तक इसमें उबाल आता है तब तक हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाते हैं, जब तक हमारी मटर गल नहीं जाती हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपने अभी तक सब्सक्राइब किया या नहीं किया। हमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम ये थोड़ी देर के लिए हमने ढक कर रख दी थी, कम से कम 5 मिनट के लिए। उसके बाद हमारी मटर गल चुकी हैं, तो मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, मेरी मीडियम साइज़ की कटोरी है, आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं। ये देखिए मैंने सूजी इसमें ऐड कर दी है, और जब तक इसमें उबाल नहीं आता है तो हम इसे पकाते रहेंगे और चलाते रहेंगे, जिससे इसमें गांठे ना बने। अदरवाइज अगर आप नहीं चलाएंगे तो इसमें गांठे बन सकती हैं और वो खाने में भी अच्छी नहीं लगेंगी। अभी वीडियो के एंड तक रुके रहिए, क्योंकि अभी ये बाकी है, अभी ये प्रॉपर तैयार नहीं है। अब इसके बाद जो हमने मूंगफली फ्राई करी थी वो हम इसी टाइम पे उबाल आने के बाद इनको डाल देंगे। इस टाइम पे ये देखिए, ये हमारा अच्छे से थोड़ा सा टाइट हो चुका है, कुक हो चुका है, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, और घी डालने के बाद इसे हम 1 बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसे आप हरे धनिए की चटनी और दही किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।